वेलकम फ्रेंड्स अगेन. आई थिंक वी हैव कम्प्लीटेड अप टू सेकेंड प्रॉब्लम. नाउ विल रश टुवर्ड्स द थर्ड प्रॉब्लम. नॉट वेस्ट मच टाइम. विल स्टार्ट विथ फॉर थर्ड प्रॉब्लम. ओ लेट मी स्टार्ट विथ माय हेलो हेलो. So let's start with third problem. Mass m 20 kg has a charge 9 into charge q is equal to 3 milli coulomb. It moves with a velocity of 20 meter per second and enters a region of electric field of 80 newton per coulomb in the same direction as the velocity of the mass. The velocity of the mass after 3 second in the region. Okay, so mass m is given as a charge of 3 milli coulomb. This is a mass m and has a charge 3 milli coulomb. That is 3 into 10 raised to minus 3 coulomb. It moves with a velocity of 20 meter per second. It is moving with velocity of 20 meter per second. And in the region of electric field, okay, of 80 newton per coulomb. So the region is that in this region the electric field will be like this. Electric field will be 20 newton per coulomb. Of course, if it is the x direction, that will be also x. If it is any other direction, in the same direction of that. Okay, and what they are asking, the velocity of the mass after 3 seconds in the region. It's very simple. Okay. Initially, we will consider that mass is at rest and electric field is here. Initial velocity is given. Sorry, not at rest. It is moving with 20 meter per second. Okay. So, we will use the kinematical equations. Equation number 1. P equals U plus AT. तो यहाँ पे ये V दिया है, इसको V ना बोलते हुए इसको हम initial velocity बोलते हैं. तो यहाँ पे आपको U दिया है और time कितना दिया है? Time दिया है आपको after 3 second. तो time दिया आपको 3 second. T is equal to 3 second. तो U दिया है, T दिया है. तो इसमें से U मिला है आपको, T मिला है. A का problem है. ए निकालने के लिए आपको थोड़ा सा मालूम करना पड़ेगा. हियर अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अप्लाइड फोर्स कैसे निकालते हैं? एफ इज इक्वल टू एम ए. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालते हैं? क्यू इंटू ई. तो अगर इसको मैं इक्वेट करूं है बेटा, तो यहां से मैं यहां लाता हूं इसको, इसको पार्ट बनाता. अगर मैं इक्वेट करूँ एम ए विल बी क्यू ई, एकदम सिंपल है. अभी आपको आएगा तो ए का वैल्यू मिल जाएगा क्यू ई अपॉन एम. इधर डालो, पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट. सो वी इज इक्वल टू यू. यू कितना है? 20 प्लस ए कितना? क्यू ई अपॉन एम इंटू टी कितना? 3. चार्ज कितना है अपना? 3 मिली कूलम. 3 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 इंटू 20 अपॉन मास कितना दिया है? मास एम दिया है ना, दिया है 20 के जी दिया है, 20 के जी दिया है इंटू 3. ओके, सो वी विल बिकम 20 प्लस 3 3 जा 9, 9 टू जा 18. ये जीरो इसमें, ये नहीं है इसमें, एक ये ऐसे करते हैं, ये 20 को 20 ये करते हैं, इधर 9 हो जाएगा इंटू 10 रेस टू माइनस 3. ओके, कुछ बचा नहीं है? नहीं बचा है. ओके, सो वी इज इक्वल यू प्लस 80. मास कितना दिया? ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड 20 नहीं है, 80 दिया है. अरे यार,
इसको कुछ नहीं, चार चार आ जाएगा ना, तो 36 हो जाएगा है ना। ओके, और मिली कूलम है तो ऑप्शन कितना है अपना, मीटर पर सेकंड में दिया है ना, मिली कूलम। ओके, न्यूटन पर कूलम। ओके, ये कितना हो जाएगा, 10^-3 का फैक्टर तो रहेगा ये। ओके, सो इधर मिली कूलम दिया है तो उसको आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन गलत दिया है मुझे लगता है, क्योंकि ये 20 आएगा। 56 आंसर है ना आपका, 56 मीटर पर सेकंड। तो ये मिली कूलम ना लेते हुए इसको कूलम ले लो, आप बिंदास ले लो, 3 कूलम ले लो। अगर इसको 3 कूलम ले लोगे तभी आपका आंसर आएगा, ये इधर का ही है बस, इसको 3 कूलम ले लो। ये 3×3=9, 9×4=36, अभी आ जाएगा। 36+20=56। सो देयर यू चेक इन द प्रॉब्लम 3, टेक दिस एज 3 कूलम नॉट मिली कूलम, कूलम ले लो आपका आंसर आ जाएगा। वी विल गो फॉर प्रॉब्लम नंबर 4। फोर आइडेंटिकल चार्जेस ऑफ +50 μC ईच आर प्लेस्ड वन एट ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, हाउ मच एक्सटर्नल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अनदर चार्ज ऑफ +50 μC फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। हम सॉल्व करते हैं अभी, या आप भी सॉल्व कर सकते हैं, पॉज करके ट्राई करो, मैं भी थोड़ा बोर्ड क्लीन करता हूँ पॉज करके बाद में। ओके फ्रेंड्स, वर्क इज ओवर। प्रॉब्लम नंबर 4, फोर आइडेंटिकल चार्जेस 50 μC ईच, तो स्क्वायर के साइड 2 मीटर दिया है, स्क्वायर को लगाया इधर। प्रॉब्लम 4, एक स्क्वायर निकालो आइडेंटिकल चार्जेस है, मैं क्यू का वैल्यू बाद में डालता हूँ, इसको क्यू क्यू डालता हूँ इधर। साइड कितना है, 2 मीटर, 2×2=2। हाउ मच एक्सटर्नल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अनदर चार्ज ऑफ 50 μC फ्रॉम इन्फिनिटी टू सेंटर ऑफ द स्क्वायर। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इधर इधर तो लाना है बाहर से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहाँ पे चार्ज लाके बिठाना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एनर्जी एनर्जी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू, इसको ओ बोलते हैं। तो पहले पोटेंशियल निकालो, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, क्यू इंटू वी, तो वी ओ निकालो, वी ओ कितना आएगा। अभी देखो हर एक चार्ज सेम है, ये डिस्टेंस भी सेम है, ये 2 है ये 2 है, तो ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं कितना आएगा। दिस इज ओके, 1 मिनट ना, दूसरा लिखता हूँ। ये 2, ये 2, 2 हाँ, मतलब ये कितना आएगा, 2√2, 2² 4 + 4 8, 4 × 2 = 8, सो 2√2, इसका हाफ मतलब ये √2√2। ओके, ये √2, ये √2, ये √2, ये √2, तो एक एक का निकालो, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तो एक का निकालो, एक का कितना है, हाँ के क्यू, कितना आएगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, वही आ जाएगा आपका। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करो, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, हाँ तो के क्यू अपन आर आएगा ना, डब्ल्यू अपन क्यू ना, के क्यू अपन आर, ये चार्ज ले लो खाली, और उसको क्यू से मल्टीप्लाई करो बाद में, तो आपको जितना आएगा, नहीं तो डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी भी किया तो भी चलेगा। सो आपका आंसर आएगा, आंसर इज कमिंग 64 जूल। ओके, ये आप ट्राई करो, अगर नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम। ओके, देन वी विल गो फॉर प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 इज अबाउट चार्ज विच इज 5 कूलम फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.5 मीटर। द वर्क डन इन दिस प्रोसेस दे आर आस्किंग, कितना वर्क डन हुआ है वो पूछ रहे हैं। ओके, वी विल सी वर्क डन इन दिस प्रोसेस, सॉरी
थोड़ा डस्टर वगैरह का इंतजाम करूंगा अभी मैं, थोड़ा टाइम दे दो मुझे। इधर भी वही यूज करना है आपको, एक ऐसा चार्ज है। इसको डिस्प्लेसमेंट दिया है 0.5 मीटर का। ओके, द वर्क डन इन द प्रोसेस इज 10 जूल, W दिया है 10 जूल। ओके, और चार्ज दिया है 5 कूलम। तो डायरेक्टली करो इसको, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पोटेंशियल निकालो उसका, पोटेंशियल एट द सेंटर ये R, R कितना दिया है 0.5 मीटर दिया है ना। डायग्राम ये आपको डायग्राम दिया है आपके, सॉरी इसका निकालो अभी, W कितना आता है Q इंटू वी। अपने को क्या पूछा है, वी पूछा है ना, पोटेंशियल पूछा है ना, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट, या पोटेंशियल। सो वी विल बी W अपॉन क्यू। W तो दिया है 10 10 बाय 5, डायरेक्टली 2 वोल्ट आ जाएगा आपका आंसर आ रहा है, एकदम सिंपल। बीच बीच में थोड़ा सिंपल प्रॉब्लम भी लेना पड़ता है, ये हुआ प्रॉब्लम नंबर 5, एकदम सिंपल। अभी प्रॉब्लम नंबर 6 देखते हैं। मैं क्या किया हूँ आज का, कल और आज मैंने पूरा वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी, हाँ तो क्या हो जाएगा आपका पूरा टॉपिक वाइज कवर हो जाएगा, मतलब हर एक प्रॉब्लम, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय मी ऑन द बोर्ड। आई एम ट्राइंग टू डू दैट। ओके, 6, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी, इंपॉर्टेंट ना, लिख दो उसको। प्रॉब्लम नंबर 6, ये भी प्रॉब्लम नंबर 6 7, ये सब है, ये VIMP है, ये आपको बाद में भी जरूरत पड़ता है, डी ब्रॉग्ली हाइपोथेसिस वगैरह मॉडर्न फिजिक्स में भी आपको ये यूज होता है। देखो अभी ये प्रॉब्लम है फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आपको यूज आता है मॉडर्न फिजिक्स में भी आता है, हाँ एटम्स न्यूक्लियाई में भी बहुत टाइम इधर उधर आता है वो। तो इसको थोड़ा सा ठीक से ख्याल करो, इसका प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या बोला, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी विल बी गेन्ड बाय एन अल्फा पार्टिकल, अल्फा दिया है, अल्फा पार्टिकल एंड गोइंग फ्रॉम पॉइंट एट 70 वोल्ट टू अनदर पॉइंट 50 वोल्ट, V1 70 वोल्ट, दूसरा 2.50 वोल्ट। तो हाउ मच एनर्जी विल बी गेन बाय एन अल्फा पार्टिकल गोइंग फ्रॉम, वन सेकेंड, गोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ओके, गेन इन एनर्जी, यहाँ पे भी आपको वही यूज करना पड़ेगा, W इज इक्वल टू क्यू वी, और उसको इक्वेट करो आपने काइनेटिक एनर्जी से। ओके, सॉरी काइनेटिक एनर्जी मतलब आपका वही हो जाएगा। सो तो आपको एनर्जी मतलब एनर्जी गेन डायरेक्टली लिखो इज इक्वल टू क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो 1 से 2 में डिफरेंस कितना होगा। अभी क्यू कितना लेना है, अल्फा पार्टिकल को हम लेते हैं 2He4। ओके, अल्फा पार्टिकल को लेते हैं 2He4, तो अभी इसमें कितना प्रोटॉन हो जाएगा, तो प्रोटॉन का एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, है ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन चार्ज सेम है ना, तो उसमें प्रोटॉन कितने हैं, तो एक प्रोटॉन का 1.6 × 10⁻¹⁹, तो जितने प्रोटॉन है उसको उधर से मतलब q इज इक्वल टू एनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहाँ पे ये क्या होता है इसको एक होता है मास नंबर, एक एटॉमिक नंबर होता है, वो बाद में देखते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे आप खाली इसका ख्याल करो, इसमें प्रोटॉन कितना होता है उतना नंबर से इसको मल्टीप्लाई करो, ये आपको क्यू मिलेगा, ये क्यू इधर डालो, ये 70 माइनस 50, ये हो जाएगा 20 20, इधर डालो, आपका आंसर आने वाला है 40। ओके, कितना आने वाला है 40 MeV। MeV क्या है, मेगा,
वो कहता ना किलो मेगा गीगा, उसमें तो किलो किलो से भी 10^3 ज्यादा, उसको बोलते हैं मेगा। सो MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट मालूम है आपको, ओके। तो इसको एक आइडिया करो। अभी बता दो आपको, ये 2 है ना, तो इधर 2 डालो, इनको कितना डालो, 2 डालो। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, प्रोटॉन का, वही 1.6। ओके, तो ये कैसे हो जाएगा, 2 × इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10^-19 इंटू इसमें कितना आएगा, 20, 20 × 40। और ये जो है जब मल्टीप्लाई किया तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट होता है, समझ गए बेटा, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए लिखते हैं। इसीलिए इसको कैलकुलेट ना करते हुए उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली 20 × 40 किया इंटू दिस, मतलब इंस्टेड ऑफ जूल दे हैव रिटन द आंसर इन MeV, सो इट इज 40 MeV। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। विल गो फॉर प्रॉब्लम नंबर 7। ओके, प्रॉब्लम नंबर 7 इज द रेशियो ऑफ मोमेंटा। वेरी इंपॉर्टेंट डालो, वेरी इंपॉर्टेंट डालो। रेशियो ऑफ मोमेंटा ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल व्हिच आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट ईच। ओके, रेशियो ऑफ मोमेंटा, मोमेंटा का रेशियो निकालने के लिए आपको बोला है। एक मिनट, हाँ थोड़ा इसको अरेंज कर देता हूँ। रेशियो ऑफ मोमेंटा इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ओके, विच आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, प्रॉब्लम नंबर कितना है, 7 है, वी दिया है 1000 वोल्ट ना, या 100 वोल्ट, सॉरी 100 वोल्ट। और रेशियो ऑफ मोमेंटा ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द अल्फा पार्टिकल, सो पी इलेक्ट्रॉन अपॉन पी अल्फा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको बेटा मालूम है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मोमेंटम पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। ओके, अभी यहां पे आपको अल्फा और इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी याद होगा, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन आपको सिखाया होगा 11th में। मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको, ई इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाय ट्वाइस है, ये मैंने भी सिखाया है, हर एक क्लास में सिखाया होगा, चाहे वो A1 हो, A2 हो, B1 हो, B2 हो, सब क्लास में सिखाया होगा। तो पी स्क्वेयर विल बी 2ME और पी विल बी √2ME। यहाँ पे हम ई की जगह के यूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी के विल बी इक्वल टू पी स्क्वेयर बाय ट्वाइस एम, इम्प्लाइज मैं पी कितना बन जाएगा, 2 ME²। अभी यहाँ पे ये मैं हर एक पार्टिकल के बता रहा हूँ, मतलब पीई पी अल्फा सबके लिए। यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी मतलब वर्क डन, अभी वर्क डन कितना आएगा, क्यू इंटू वी। ओके, तो क्या मैं लिख सकता हूं पी इज इक्वल टू √2ME³V। ओके, तो पी इलेक्ट्रॉन का कितना आएगा, √2ME इलेक्ट्रॉन मतलब ई इंटू वी। पी अल्फा का कितना आएगा, √2ME अल्फा के लिए हम 2E लिखेंगे, अभी लिखा था हमने इंटू वी। तो अभी PE अपॉन P अल्फा विल बी, अभी यहां से क्या कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट है, हाँ ये ME आएगा, ये M अल्फा आएगा। ओके, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो खाली क्या बच जाएगा, ME इंटू E अपॉन M अल्फा इंटू 2E रूट ऑफ दैट। और आंसर आपका कितना आता है, आंसर आता है ऑप्शन नंबर 4। क्यों आता है, क्योंकि वो ये ई ई जाएगा, ये बच जाएगा, तो पी ई अपॉन पी अल्फा कितना आएगा, √
एम ई अपॉन टू एम अल्फा, ये आपको बोर्ड में भी आता है, ये वी आई एम पी है। तो थोड़ा सा इसको ठीक से पता करो कैसे सॉल्व करना है। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने ये रिलेशन लिया, रिलेशन से बाद में उसको कन्वर्ट किया काइनेटिक एनर्जी को क्यू वी। यही आपको ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर उसमें भी आता है, मॉडर्न फिजिक्स में सेम आता है, सेम। तो ये प्रैक्टिस ऐसे करना है। नाउ विल गो फॉर प्रॉब्लम नंबर 8। एंड अभी ये इधर तक हमने खत्म किया है वर्क एंड एनर्जी। नाउ वी विल गो फॉर सम मोर प्रॉब्लम्स, नाउ विल गो फॉर सम मोर प्रॉब्लम्स फॉर द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, डायपोल के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, उसमें आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट द डायपोल। तो डायपोल में आपको क्या क्या करना है वो बताता हूँ। मैंने अपने लेक्चर में बताया है आपको, लेकिन आप भूल गए होगे, दैट्स वाई लेट मी रिपीट दैट, क्या करना है उसको डायपोल में। तो डायपोल में एक तो आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों में भी आपको डायपोल है। तो डायपोल पढ़ना है कॉमन। डायपोल का स्टडी कैसे करना है, इलेक्ट्रिक डायपोल उसका स्टडी करना है कॉमन। कॉमन मतलब उसका क्या क्या निकालना है, देखो पहला निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यहां पे एक्सियल, देन इक्वेटोरियल और एनी पॉइंट, वैसे ही उसका पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो भी सेम, एक्सियल इक्वेटोरियल एनी, मतलब आपको ई ए ई ई ई वी एक्सियल वी इक्वेटोरियल वी एनी, ये आपको तीन करना है। वो होने के बाद पोटेंशियल एनर्जी करना पड़ेगा आपको। हाँ, मतलब आपको मैं स्टडी का एक डायरेक्शन दे रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी में इसमें आपको क्या आता है बेटा, पहले आता है आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम, वो मैंने सीखा है आपको, मिनिमम मैक्सिमम एनर्जी। और सेकंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आज किसी भी बॉन्ड पेपर पर लिख के रखो, आपकी हर एक एग्जाम में 100% इसमें से कोई एक तो आने ही वाला है, वन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड 100% फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम। इट मे बी योर बोर्ड एग्जाम, इट मे बी योर जेई, इट मे बी योर नीट, इट मे बी द एनी ऑफ द एग्जाम, वी सैट, बीट सैट, वॉट एवर यू मे कॉल इट एज, हर एक एग्जाम में ये आने वाला है। इसमें से प्रॉब्लम बोर्ड के लिए बोलोगे तो इसका डेरिवेशन, कॉम्पिटेटिव के लिए बोलोगे तो इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग आने वाला है। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हम देखेंगे। ओके, स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट पी इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई। ओके, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा है, डायपोल इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं पहले। I do have only two colors of inks. One is red and one is blue. Not a black. So sometimes the color will look pretty different. Okay. So dipole aise rakha maine, such that it is perpendicular to the electric field. Dikh raha hai aapko? Baad mein kya bole dekho. Then the work done in deflecting it through an angle of 180. Matlab aapka स्टार्टिंग का एंगल कितना है 90 डिग्री, सो थीटा 1 है आपका 90 डिग्री, थीटा 2 आपका है 180 थ्रू 180, मतलब पहले 90 था तो 90 में से ऐड करना है, तो 180 नहीं आएगा, 90 प्लस 180, ये समझ गए बेटा आप। तो थीटा 2 आपको कितना हो जाएगा 270 डिग्री। थीटा 1 इसको ले लो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, P
पीई साइन थीटा को इंटीग्रेट करके निकालते हो ना आप, तो वर्क डन का डायरेक्ट फॉर्मूला मत निकालो, जो डायरेक्ट फॉर्मूला से करते उसके पहले अपने जो इंटीग्रेट किया है उसको शायद वो हो जाएगा आपका पी साइन थीटा डी थीटा, मतलब टाओ टाओ डी थीटा। ये देखो हम लिखते हैं ना बेटा, ये देखो इसको डब्ल्यू इंटीग्रेशन एफ डी आर लिखते हैं ना, ये होता है ट्रांसलेशन एरर के लिए होता है। किसके लिए होता है? ट्रांसलेशन एरर के लिए। इम्पॉर्टेंट है ये भी मैंने पढ़ाया है आपको, मेरा लेक्चर जाके उठा के देखो, ये होता है ट्रांसलेशन एरर के लिए। तो इधर क्या होता है, इंटीग्रेशन फोर्स की जगह टॉर्क डालने का एफ, और डी आर की जगह डी थीटा डालने का, इसको बोलते हैं रोटेशन के लिए, रोटेशन एरर के लिए ये लिख देते हैं। तो डब्ल्यू विल बी टाउ डी थीटा और टाउ का पी साइन थीटा, सो पी ई साइन थीटा और डी थीटा। अभी आपको याद आया होगा मैंने क्यों आपको वो इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ाया था, अभी पढ़ाया था ना इंटीग्रेशन, तो अभी अपन को इंटीग्रेशन का यूज इधर ही हो जाएगा। आई विल गेट द रीड ऑफ द इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, अभी इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, हाँ तो डब्ल्यू विल बी पी ई साइन थीटा का, हाँ और थीटा वन टू थीटा टू, ये भी इंपॉर्टेंट है। पी को तो बाहर निकालते हैं, ई को भी बाहर निकालते हैं, साइन थीटा ओके, कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन निकालते हुए हम माइनस कॉस थीटा निकालेंगे, तो माइनस पी ई कॉस थीटा और ये चलेगा 92 to 70। अभी कॉस निकालते हैं, कॉस फंक्शन निकालते हैं, ये जीरो पाई बाई टू पाई, थ्री पाई बाई टू टू पाई, ओके इसको लिखता हूँ जीरो पाई बाई टू पाई, थ्री पाई बाई टू टू पाई। कॉस फंक्शन कैसे चालू करेगा, जीरो को कॉस जीरो वन होगा, 90 को जीरो होगा, बाद में कॉस पाई माइनस वन होगा, कॉस थ्री पाई बाई टू मतलब 270, ये अपना हो गया 270, ये अपना हो गया 90। तो आपने देखा तो 270 90 को दोनों को भी वो क्या है, जीरो है। तो आपका आंसर कितना आने वाला है बेटा, वर्क डन विल बी एब्सोल्युटली जीरो। ओके दिस वे द प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रॉब्लम नंबर वाज आई थिंक 8। ओके 8, लेट मी चेक व्हाट इज द टाइम। ओके बेटा नो प्रॉब्लम, वन मोर टू मोर प्रॉब्लम्स विल सॉल्व इन द नेक्स्ट लेक्चर, वी विल डू दैट नेक्स्ट वीडियो वी विल डू। ओके आई विल अरेंज सम, हाँ ऑल्सो आई हैव अरेंज, इट्स ओके इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन दैट, ओके व्हाट आई हैव डन, ओके यू विल गेट इन योर शीट। ओके बाय।